हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शादाब ग्राफिक्स में। फ्रेंड्स, अगर आप सऊदी अरब से हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने एकामी की एक्सपायरी डेट को चेक कर सकते हैं, वो भी बिना अपशर अकाउंट के। वो लोग जिनके पास अपशर अकाउंट है वो तो इजीली अपने एकामी की एक्सपायरी डेट को चेक कर पाते हैं, लेकिन जिनके पास अपशर अकाउंट नहीं है वो किस तरीके से अपने एकामी की एक्सपायरी डेट को चेक करेंगे, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहें। इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है और यहाँ पर अपने गूगल को या फिर क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। चलिए मैं यहाँ पर अपने क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है mol.gov.sa। तो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ mol.gov.sa। अब यहाँ पर आपको इस ऑप्शन पर इंडिविजुअल यूज़र बेसिक इन्फो इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। ये इंटरफेस आपको अरबिक लैंग्वेज में शो होगा, अगर आप चाहें तो इसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। इंग्लिश में करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यह आप देख सकते हैं यहाँ पर उर्दू, अरबी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज दी हुई है, आप इसे किसी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर इसे इंग्लिश में कर लेता हूँ। अब यहाँ पर आपको फ्रेंड्स दो ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको आईडी, एकामा, बॉर्डर नंबर, यहाँ पर आपको अपना एकामा नंबर डालना है और नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना एकामा नंबर डाल देता हूँ। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालने के आपको दो तरीके दिए हुए हैं। या तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को हिजरी में डाल सकते हैं, या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ को आप इंग्लिश में भी डाल सकते हैं। अगर आप हिजरी में डालना चाहते हैं तो इसी कैलेंडर से आप डाल सकते हैं। इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ डालने के लिए आपको यहाँ पर हिजरी पर क्लिक करना है और यहाँ पर ग्रेगोरियन सेलेक्ट कर लेना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स आपके सामने फिर ये इंग्लिश वाला कैलेंडर ओपन हो जाएगा। आपको यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश में डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हिजरी में भी डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको ये जो नंबर शो हो रहे हैं ये आपको वेरिफिकेशन कोड में डाल देने हैं। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही फ्रेंड्स आपके सामने ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपका नाम, फादर नेम, एकामा नंबर, यूज़र नेम, A to Z सभी चीज़ें देखने को आपको मिल जाएगी। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको एकामे की एक्सपायरी डेट भी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर मेरा एकामा 19 नवंबर 2022 को एक्सपायर हो जाएगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी हिजरी डेट भी मेरे को यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपना एकामा चेक कर सकते हैं और आप अपने दोस्तों का एकामा भी चेक कर सकते हैं। यह था एकामा चेक करने का सबसे आसान तरीका। फ्रेंड्स, वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके मैसेज का रिप्लाई जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और इम्पोर्टेंट वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।